दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 10 लेकर आपके लिए आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको जो जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 अभी होने वाली है, उसके लिए प्लस प्राथमिक सुपर TET, SSC, CGL, MTS तथा जो है आपका CHSL के लिए संबंधित UPSI की जो वैकेंसी आई है, और इससे संबंधित जो कि UP SSSC पेट होने वाला है, लेखपाल की, अमीन की, इससे रिलेटेड सारे जितने भी आपको वनडे एग्जाम में या UPPCS से संबंधित जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड सामान्य अध्ययन है, उसके टेस्ट हम करा रहे हैं आपको, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम को आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पार्श्विक इकाई है, बताइए पार्श्विक इकाई है इसका मतलब होता है कि पार्श्विक किसका मात्रक है। तो आप बताइए, ऑप्शन ए दूरी का, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का, या प्रकाश का। तो जो पार्श्विक होता है वो आपकी दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक का मतलब हो गया कि एक पार्श्विक बराबर कितना आपका हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्श्विक का मात्रक हो गया, ये आपका दूरी का। अगर बात करते हैं जो प्रकाश की चमक है, यह सूर्य से हमको प्राप्त होती है। सूर्य में जो है अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो कि प्रकाश से आती हैं, और ये जो है पृथ्वी पर पड़ती हैं तो बहुत नुकसानदेह पड़ती हैं, और इसीलिए जो ओजोन परत है अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित कर देती है। और बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की, इसके लिए भी एग्जाम में आता है, इसका मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक वेबर आप याद कर लीजिए, या तो इसका मात्रक टेस्ला, दो होता है, वेबर भी होता है और टेस्ला भी होता है। और प्रकाश, प्रकाश को आप समझ रहे हैं, जो जो सूर्य से प्रकाश हमको मिलता है वही हमारी नेचुरल प्रकाश है, बाकी बहुत से प्रकाश कृत्रिम होती हैं। तो ये आपका प्रकाश हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन कौन से चीज़ होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारा नाभिक होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर भी एक नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपके होते हैं, और जो नाभिक के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे, इधर बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका नाभिक में पूछ रहा है, तो पूछता है कि नाभिक जो है त्रिज्या कितनी होती है, 10^10, इसकी त्रिज्या 15 होती है, और जो पूरा परमाणु होते हैं उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10^10। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये बहुत ही बार पूछता है, तो एग्जाम से रिलेटेड है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जेडी टॉमसन ने की थी। ये संबंधित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इससे करंट प्रवाह होता है, जिस तरह करंट चलता है इलेक्ट्रॉन उसके पीछे की ओर, मतलब कि उससे उल्टे की दिशा की ओर चलता है। अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की धारा इधर प्रवाहित होती है। अगर बात करते हैं कि प्रति सेकंड कितनी जो है इलेक्ट्रॉन गुजरती हैं एक एम्पियर में, तो लगभग 16 लाख जो है इलेक्ट्रॉन एक एम्पियर के धारा में गुजरती हैं। अगला देखते हैं, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, विक्षेपण मतलब कौन फैलाव ज़्यादा होता है, बैगनी कलर का कि पीला कि लाल कि नीला। एक आपको बता देते हैं, बीप गोर करके जो है, बीप ग्योर, ये आपका जो है करंट का प्रिक्रेशन है। तो जो बैगनी कलर होता है आपका, उसकी जो है वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जो लाल रंग होती है रेड लाइट, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो दो क्वेश्चन आपको पूछता है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। किसका विक्षेपण सबसे कम होता है, तो लाल रंग का होता है। एक क्वेश्चन इससे और भी पूछता है कि किसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो जिस रंग का या जिसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो बैगनी कलर की आपकी ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर बैगनी की ज़्यादा होगी। लाल की क्या होगी, क्योंकि इसका लगभग 3600 एंगस्ट्रॉन होता है, इसका 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, इसकी वेवलेंथ कम है तरंग दैर्ध्य, तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर बताइए, स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पोडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं पोमोलॉजी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन से, स्पर्मोलॉजी आपका शुक्राणुओं का अध्ययन से हो जाएगा, एंथोलॉजी आपका पौधों के अध्ययन से हो जाएगा, और जो पोडोलॉजी होता है या पीडोलॉजी, वो जो हमारी मिट्टी होती है उसके अध्ययन से संबंधित है। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो करेक्ट आंसर बताइए कि आलू है कि गाजर है कि शकरकंद है या मूली है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन पे, तथा अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए, तथा अपने जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक पर बटन ओके कर दीजिए। इसको हमसे मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। आलू क्या है? एक प्रकार का तना है। क्यों तना क्या होता है? क्योंकि इसमें जो भूमि होती है इसमें जो है यहाँ पर स्टार्च के रूप में ये जड़ों के रूप में जमा कर लेते हैं, तो इसलिए इसको जड़ नहीं कहते हैं, ये तने के रूप में यहाँ पर जमे हो जाते हैं। अब बात करते हैं गाजर की। तो गाजर क्या है? गाजर एक जो है शंकु रूप में इसे जमा हो जाते हैं पौधों में। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है? जड़ है। गाजर जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, और मूली तुर्क रूपी शकरकंद मतलब जो है ये दोनों शकरकंद हो गया, इसको शलजम भी कहते हैं। गाजर और मूली आपका क्या हो गया? एक प्रकार का जड़ हो गया। और आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे तना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहे हैं तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, कि आपका अमीबा है, कि आपका श्वेत रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो आपकी माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी हो, और सबसे बड़ी की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है, और इसको कहते हैं जीवित जीव क्योंकि ये कभी नहीं मरता। इसको अमर जीव भी कहते हैं क्योंकि इसको कितना भी विभक्त कर लिया जाए ये कभी मरता नहीं है, इसलिए इसको अमीबा को याद कर लीजिए। इसको कहते हैं अमर जीव। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा जीव है जो अमर है, तो आपको अमीबा पर टिक करेंगे। और श्वेत रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं? आर, ये इसको कहते हैं WBC, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल। इसकी जीवन शैली पूछा जाता है कितना होता है, तो लगभग 120 दिन होती है। कहते हैं कि WBC की कब्रगाह क्या होती है? तो फ्लिया, जो कि है इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्प्लीन, जो कि जो आमाशय होता है उसके बीच में ये लटके रहते हैं छोटी से, इसको WBC कहते हैं। WBC की कार्य क्या है? WBC का कार्य है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर इंटर करता है तो यही WBC क्या करते हैं? इससे लड़कर इसको मार देते हैं। और WBC कितनी प्रकार की होती है? तो चार प्रकार की होती है। जैसे पूछता है कि सबसे बड़ी WBC कौन है, तो आपका हो जाएगा मोनोजाइट, और सबसे छोटी क्या है? लिम्फोसाइट हो जाएगा आपका। और इसमें पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, तो इसमें हो जाएगा बेसोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप। और कहते हैं कि लाल रक्त कण का है जिसको RBC भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल, इसकी जीवन काल क्या है? इसको 120 दिन का जीवन काल होता है। और फ्लिया को RBC के कब्रगाह भी कहते हैं। ये क्या करता है शरीर में? ये ऑक्सीजन परिवहन को ले जाता है, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन रहती है हीमोग्लोबिन के रूप में उसको क्या कहता है? ये रक्त परिवहन संचरण के माध्यम से ले जाता है। RBC में ही एंटीजन पाए जाते हैं जो कि हमारे रक्त में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन है? बताइए मॉनिटर और प्रिंटर हैं कि विंडोज़ हैं कि कीबोर्ड और माउस या CD है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर क्या होते हैं आपके? दो, इसमें कहा गया कि दो मतलब आउटपुट डिवाइस हो, तो मॉनिटर और प्रिंटर हैं। और ये जो विंडोज़ और ये कीबोर्ड और माउस ये सब क्या हैं आपके? इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बताइए 14, 13, 12 या 10। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या आपकी 12 हो जाएगी। टोटल कीबोर्ड में कितना वर्ड होते हैं? तो 104 आप बताएंगे कि टोटल कीबोर्ड में 104 वर्ड होते हैं। अच्छा, ये बात करते हैं कि जो है कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का खोज कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो CPU, जिसकी फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? बताइए शतरंज की खोज रूस को, भारत को, या USA को, या इंग्लैंड की। तो शतरंज की खोज हमारे भारत में हुई थी। भारत से ये गया ईरान, ईरान से अफगानिस्तान होते हुए ये यूरोप महाद्वीप की ओर चला गया। और इससे संबंधित क्वेश्चन है, और ये देखते हैं जो है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत।
अब बात करते हैं रूस, रूस की राजधानी क्या है? ये इसकी राजधानी मॉस्को है, ये यूरोपीय देश है। और जो है रूस के डायट का नाम क्या है? रूस के संसद का नाम पूछता है तो ड्यूमा इसकी संसद का नाम है, और डायट संसद किस किस नाम है? तो जापान की संसद का नाम डायट। इसमें कभी कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ड्यूमा और डायट में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ड्यूमा क्या है? रूस का है, और डायट क्या है? जापान की संसद का नाम है। रूस के जो है, अगर सिक्के की बात करें, मुद्रा की बात करते हैं, तो इसकी मुद्रा क्या है? रूबल। अच्छा, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? अल्बुर्ज, जो कहाँ पर स्थित है? वो भी रूस में स्थित है। रूस के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? व्लादिमीर पुतिन इसके जो है प्रेसिडेंट है। अगला देखते हैं यूएसए। यूएसए के बारे में अगर बात करते हैं, इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बने हैं? 46वें नंबर के जो है राष्ट्रपति बने हैं, जो कौन है? जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति चुनी गई हैं, और कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति चुनी गई, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। 49वें नंबर की जो हैं ये, किस नंबर की हैं? 49वें नंबर की हैं। और यूएसए की जो राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी। सबसे बड़ा शहर इसको न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क में ही पेरिस, जो कि यूनिसेफ का जो है मुख्यालय स्थित है। और अगला देखते हैं ये इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बताएंगे लंदन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से शहर है। और इंग्लैंड के इस समय जो है प्रेसिडेंट या उसके जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रेसिडेंट वहाँ नहीं होते, वहाँ पर जो है राजा होती हैं या रानी होती हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछिए, ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बताइए, नरेंद्र दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या गोविंद रनाडे। तो इसकी जो है ये ड्रेन ऑफ थ्योरी क्या थी? निस्यंदन का सिद्धांत बताएंगे, जैसे कि पैसा जो है भारत में कैसे अंग्रेज यहाँ ब्रिटिश सरकार अपने के यहाँ ले जा रही थी, तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इसकी क्या की? व्याख्या की। इन्हीं ने जो है किताब का नाम का ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक पारसी समुदाय से थे, इन्होंने पहली बार ब्रिटिश संसद में इनको चुना गया था। तो बताएंगे कि ब्रिटिश संसद में चुनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी को बताएंगे। दादा भाई नौरोजी ने 1905 में कलकत्ता में जो है इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो है, ये अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक भारत के जो है बेताब बादशाह कहा जाता है। इनको पहली बार 1882 ईस्वी में अंग्रेजों ने जेल भेजा था, और बाल गंगाधर तिलक की जो है केसरी तथा मराठा नाम की पत्रिका भी है। इन्होंने कभी भी कांग्रेस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो नहीं, इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। और इन्होंने गांधी जी को जो है, जब 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इनकी जो है कंधा कौन दिया था? तो सैफुद्दीन कुचली और ये कौन थे? महात्मा गांधी, दो लोग इनको दिए थे। और अगले ऑप्शन की बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या थे? ये महात्मा गांधी जी के जो है गुरु भी थे, और 1905 ईस्वी में सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और ये कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे। गोविंद रानाडे कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। इन्होंने महाराष्ट्र में 1827 ईस्वी में दक्कन सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना किए थे। तो याद करिएगा, दक्कन सोसाइटी किससे संबंधित है? गोविंद रानाडे से संबंधित है। इन्होंने आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की भी 1867 ईस्वी में स्थापना की थी। कब? आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, या महर्षि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का या प्रयोग किया था? तो बताइए, अर्धमागधी का, सौर सैनी का, मागधी का या अंगिका का। तो इसने ना अर्धमागनी, अर्ध जो मागधी भाषा होती है उसका प्रयोग किए थे। अशोक क्या थे? अशोक जो है मगध के सम्राट थे, और मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक को भारत नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम सम्राट भी माना जाता है, तथा इनको अपने कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्धि प्राप्त है। इन्होंने भारत में पहली बार शिलालेखों के माध्यम से जो है
जो शिलालेख पर उत्कृष्ट कराए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए। इनकी सबसे बड़ी कृति है कि इन्होंने सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहाँ से जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है वहाँ से। और सारनाथ में जो क्या क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, इसलिए यहाँ पर धमेत स्तूप भी अशोक सम्राट बनाए थे। और सांची स्तूप की बात करते हैं, वहाँ क्या से संबंधित है, सांची स्तूप जो है कहाँ पर है, भोपाल के से 100 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के। सांची का स्तूप किसने बनवाए थे, तो ये अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। अशोक ने ही भारत में स्तंभ का निर्माण करने का, शिलालेखों का निर्माण करना तथा जो है प्रजाओं जो है पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण कराया। पहली बार ऐसे राजा थे जिन्होंने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए थे। ये जो है एक बार इनको पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध किसके समय हुआ था, तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व किसके किसके बीच हुआ था, कलिंग के नरेश और अशोक सम्राट के बीच हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व किसके समय हुई थी, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, तो प्राचीन की अगर बात करते हैं ऋग्वेद में बताइए कि अथर्ववेद में कि सोमवेद या यजुर्वेद, तो ऋग्वेद में इसकी मिलती है। ऋग्वेद में ही इसमें कितने मंडल है, 1028 मंडल हैं, इसमें कुल 10 जो है 128 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। इसमें जो मंडल हैं उसमें जो है तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा जो है जो गायत्री मंत्र का उपचार किया गया है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में जादू टोना इसके लिए संबंधित है, और जो है ये सोमदेव है ये गान से संबंधित है। गायक जो है गाने वगैरह जो हमारे विकास में है वो किससे संबंधित है, सोमवेद से। और यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो यज्ञ विद्या से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, तो अभी ऊपर बताई दिए हैं, 2 हैं कि 3 है कि 4 है कि आपका 5 है, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन, ऋग्वेद और क्या है, सोमवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन हो जाएगा। पूछा कि 10 राग युद्ध किससे संबंधित है, तो वो आपके ऋग्वेद के 10वें 7वें जो है मंडल से संबंधित है। पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरा ये सब सबसे प्राचीन मंडल है। सबके बाद का मंडल क्या है, 9वां मंडल सबसे बाद का मंडल है। अगला देखते हैं, भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, करेक्ट आंसर बताइए, असम में कि झारखंड में कि पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में, तो करेक्ट आंसर होगा जो भील जनजाति होती है राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और जो है असम में अगर बात करते हैं तो असम में आपकी कौन सा थी, बोडो जनजाति पाई जाती है, झारखंड में आपका संथाल जनजाति, मोह जनजाति, मुंडा जनजाति और ओरांव जनजाति पाई जाती है, और पश्चिम बंगाल में आपका जेपला तथा जो है कौन जनजाति पाई जाती है आपका यहाँ पर बोडो जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। दार्जिलिंग के पठारों पे जो है बोडो जनजाति तथा जिप्सला जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, करेक्ट आंसर बताइए, दादा भाई नरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, जेम्स हिक्की या रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की, जो कि 1700 आपका जो है 74 ईस्वी में इन्होंने 73-74 ईस्वी में बंगाल गजट नाम से भारत में पहली बार पत्रिका का संपादन किया। किस भाषा में थी, तो ये बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों की पत्रिका थी। तो बंगाल जो है सबसे पहले बंगाल में जेम्स हिंस्की द्वारा जो है बंगाल गजट नाम से पत्रिका, अगर बात करते हैं हिंदी की पत्रिका सबसे पहले तो ये किसने की थी, उदन मांटंग ने हिंदी की पत्रिका का ये शुभारम्भ किया था, पंडित जुगल हंस किशोर ने, ठीक, हिंदी पत्रिका का। और यहाँ अन्य ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, रस्त गुफ्तार इनकी पुस्तक का नाम है, याद कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1875 ईस्वी में एंग्लो मीडियम जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किए थे। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में 1913 ईस्वी में पहली बार गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इन्होंने पहली जो जनगण मन अधिनायक अध्याय है भारत के जो राष्ट्रगान है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और 1911 ईस्वी में इसको पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नीली क्रांति किससे संबंधित बताइए, मत्स्य पालन से, मधुमक्खी पालन से, या मुर्गी पालन से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मत्स्य पालन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू के उत्पादन से। अगर पूछेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगर पूछेगा एग्जाम में कि गुलाबी जो है पालन किससे संबंधित, या गुलाबी क्रांति से पूछेगा, तो झींगा मछली और टमाटर से संबंधित है। अगर पूछेगा रजत क्रांति या रजत पालन, तो उससे कितने संबंधित है आपका, तो आपका अंडा से संबंधित हो जाएगा। और मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर और इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी जो है ये धूपगढ़ चोटी है, वो सतपुड़ा रेंज के किस पर्वत पे स्थित है, तो सतपुड़ा रेंज में तीन पर्वत हैं। एक है आपका एक आपका यहाँ पर राजपीपला हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर जो है महादेव हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर मैकाल हो जाएगा। और महादेव पर्वत में यहाँ पर धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज में जो है किस पर्वत में धूपगढ़ जो है चोटी कहाँ पर स्थित है, इसके जो है महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पर्वत से अमरकंटक नदी निकलती है मैकाल रेंज से, और यहाँ से जो है सोन नदी, नर्मदा नदी और अमरकंटक के पठार से जो है जो यहाँ पर दक्षिण में जो एक नदी निकलती है उसको कहते हैं महानदी। और धूपगढ़ जो चोटी है उसमें जो प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश का कौन सा, पंचमढ़ी। पूछता है कि पंचमढ़ी किस जो है चोटी पर स्थित है, तो वो धूपगढ़ चोटी पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा तो लगभग 1300 मीटर ये ऊँची है। यहीं पर तावा जलाशय भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया, तो बताइए 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और 22 जुलाई 1947। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को पिंगमेंगैया थे, उन्हीं के द्वारा ये जो है इसको जो है बनाया गया आपका जो है राष्ट्रीय ध्वज। तो इसको कब अंगीकृत किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया। इसमें ऊपर का रंग क्या होगा, केसरिया हो जाएगा, बीच का रंग सफ़ेद हो जाएगा, और नीचे का रंग क्या हो जाएगा आपका, हरा हो जाएगा। बीच में जो है अशोक का जो है स्तंभ लिया गया है, जिसमें 24 तीलियाँ, बताया जाता है कि अशोक का जो इसमें चक्र लिया गया उसमें कितनी तीलियाँ हैं, तो उसमें कुल 24 तीलियाँ। कहाँ से लिया गया, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रध्वज कब फहराया गया था, तो 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इसको जो है लाहौर में पहली बार झंडा फहराया था। अगर बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, और भारत कब गणतंत्र बना था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। क्यों, क्योंकि इसी दिन भारत का जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से, न कि अंगीकृत किया हुआ था। अगर पूछेगा कि एक ऑप्शन में अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत किया गया था, मतलब पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। उसमें कुछ ही अनुच्छेद, मतलब 16 या 17 अनुच्छेद ही लागू किया गया था, बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा को अधिकार किया था, या गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, कि वास्को डिगामा था, कि फ्रांसिसी डी अल्मीडा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसोसो डी अल्बुकर्क था। इसने क्या किया था, बीजापुर के जो शासक थे, यहाँ पर गुजरात है, और वहाँ से इनको जो है गोवा को इसने जीत लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क डी जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अब पूछेगा कि कब इसने जो है गोवा को जीता था, तो 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, तो वास्को डी गामा ऐसा पहला यूरोपी था जिसने जो है जहाज़ की मदद से समुद्री यात्रा करके भारत पर पहुँचा था, तो भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपी। तो 1498 ईस्वी को कौन पहुंचा था, वास्को डिगामा। पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था, तो वास्को डिगामा भारत 3 बार आया था। लगभग लोग ऑप्शन लगाते हैं कि भारत में 2 ही बार आया था, और एक ऑप्शन ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा की कब्र कहाँ है, तो वास्को डिगामा की कब्र गोवा में है, गोवा में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, और यहीं पर इसको दफना भी दिया गया था। ये भी एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांसीसी
डी अल्मेडा क्या था? ये पहली बार पुर्तगालियों को द्वारा बनकर यहाँ पर वायसराय आया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ये फ्रांसीसियों द्वारा पहला था और फ्रांसीसियों द्वारा पहली आपकी फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1502 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित की गई? फ्रांसीसी डी अल्मेडा के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? बताइए 4 जुलाई को, 21 मार्च को, या 23 सितंबर को, या 3 जनवरी को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये आपका सूर्य है और ये आपके पृथ्वी सबसे नज़दीक किस दिन होते हैं? तो 3 जनवरी को पृथ्वी और जो है सूर्य सबसे नज़दीक होते हैं, इसी दिन को कहते हैं उप सौर, ये कब होता है? 3 जनवरी को। अब सबसे दूर कब होते हैं? तो 4 जुलाई को ये सबसे दूर होते हैं, इसको कहते हैं उप सौर, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होते हैं, फिर भी क्या करता है, हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 3 जनवरी को ये बहुत नज़दीक होते हुए भी हमारे ठंडी का एहसास हुआ होता है, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन के संबंध है, और 21 मार्च को क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को भी विश्व में दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो है सूर्य मकर रेखा पर जो विषुवत रेखा है उस पर चमक रहा होता है, इसीलिए जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगर पूछेगा उत्तर भारत में सबसे बड़ा दिन, तो आप बताएंगे 21 जून को, और दक्षिण भारत अगर पूछेगा कि उत्तर जो है गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून। पूछेगा दक्षिण जो है में सबसे छोटी रात कब हो जाएगी, तो सबसे छोटी रात यहाँ पर 21 जून को हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा दिन तो यहाँ सबसे छोटी रात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए रॉबर्ट क्लाइव ने, वारिंग हेस्टिंग ने, हेक्टर मुनरो ने, या चार्ल्स आयरकुट ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। एक तरफ हेक्टर मुनरो की सेना थी, एक तरफ जो है मुगल सम्राट शाह आलम थे, और वहाँ पर जो है मीर कासिम थे जो है बंगाल के नवाब, और उनकी संयुक्त सेना थी। ठीक, तो इनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो है आयरकुट जो हेक्टर मुनरो थे उनकी जो है विजय हुई, और इन्होंने जो है क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया। तो यह माना जाता है कि बक्सर का जो 1764 का युद्ध था वो अंग्रेजों का जो है भारत में स्थापित हो गया उनका साम्राज्य। और बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, 1757 ईस्वी में इन्होंने सिराज दौला के साथ, और जो है रॉबर्ट क्लाइव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिराज दौला की हार हुई, जो कि बंगाल के उस समय नवाब थे, इनके जो है एक सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने धोखा दिया और अंग्रेजों के साथ मिल गए, इसीलिए 1757 की क्रांति अंग्रेजों ने जीत ली थी, और रॉबर्ट क्लाइव को जो है पहला बंगाल का जो है ये वहाँ पर गवर्नर बना, और इसको अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि ये बंगाल का शेर की भी उपाधि दिया गया। वारिंग हेस्टिंग की अगर बात करते हैं, तो वारिंग हेस्टिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट साथ भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया, और इन्होंने जो है जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैत शासन लगाया गया था बंगाल में उसको ख़त्म किया, और इन्हीं के समय पहली बार 1774 ईस्वी में भारत में जो है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके जो है जो वहाँ के जज थे एमपे थे, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मुख्य न्यायाधीश एमपे थे, और यहीं पे 1784 ईस्वी को विलियम जो है जोन्स थे उनके द्वारा ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की गई, जो कि अनुवाद विभाग था। इन्हीं के समय 1781 ईस्वी में डंकन सोसाइटी, जो कि संस्कृत विद्यालय था, उसकी जोनाथन टंक द्वारा कहाँ पर जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं के समय पहली बार मदरसा बोर्ड की भी स्थापना हुई, किसके समय? वारिन हेस्टिंग के समय। ठीक, ये था वारिन हेस्टिंग से कुछ संबंधित क्वेश्चन, और फिर चार्ल्स आयरकुट की बात करते हैं, तो जब 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध हुआ था, तो फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली थे, और चार्ल्स आयरकुट अंग्रेजों की तरफ से, काउंट लाली और आयरकुट के मध्य युद्ध हुआ, तो इसमें आयरकुट की विजय हुई और फ्रांसीसियों के भारत से पत्ता खत्म हो गया, ये हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही टेस्ट मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।